दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त हम हैं सेक्टर 21 डी में और यहां पर देख रहे हैं सफाई अभियान चल रहा है और एक मिशन के तहत यह अभियान चल रहा है और स्थानीय लोग काफ़ी परेशान थे। यहां पर बहुत गंदगी थी। दिखाइए कैमरामैन चारों तरफ, पहले हम दिखाएंगे, चारों तरफ बहुत गंदगी थी। और इधर भी दिखाइए, ये मार्केट है, मार्केट एरिया है, बगल में देखिए मार्केट है और यहाँ पर इतनी गंदगी थी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो यहाँ पर स्थानीय लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, पूछेंगे किस तरह से इन्होंने अभियान शुरू किया। अभी प्रशासन भी इनकी मदद कर रहा है ऐसा ये लोग बता रहे हैं। जेसीबी वगैरह एमसीएफ ने भेजा है, ये देखिए जेसीबी लगी है साफ़ सफाई करने के लिए। और इनका कहना स्थानीय लोग भी साफ़ सफाई में शामिल हैं और काफ़ी दिनों से साफ़ सफाई अभियान शुरू हुआ है। महिलाएं भी हैं सेक्टर की, देखिए अब इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे आखिर ये लोग इतने परेशान क्यों थे और अभी क्या चल रहा है, थोड़ा सा इनसे बातचीत करेंगे। आइए मैडम। हाँ मैडम, हाँ कौन बात करेगा आप में से? नमस्कार आपसे, मेरा नमस्कार। नमस्ते जी। अभी जो साफ सफाई हो रहा है वो साफ सफाई कैसे हो रही है, क्योंकि आप लोग काफी परेशान थे, काफी शिकायत आ रही थी यहाँ पर गंदगी रहती है, तो अभी क्या अभियान है, थोड़ा अभियान के बारे में बताइए। क्या नाम है, अपना नाम बताइए। शकुंतला नेगी सर। ये हम लोगों ने, सब महिलाओं ने आगे आके कराई ये सब, फिर एमसीएफ वालों ने हमारी थोड़ा, आपने एक ग्रुप बनाया। हाँ, सबसे पहले बनाया। आप बताइए अंजू जी, आप बताइए। मेरा नाम अंजू सिंह है। हम लोग यहाँ पे सेक्टर में बहुत साल पुराने रहते हैं, पर अभी कुछ सालों से इतनी गंदगी यहाँ पे बढ़ गई है कि हम लोग सभी परेशान हैं। हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते गंदगी के कारण, तो हम महिलाओं ने अपना एक एसोसिएशन बनाया है, वुमन पावर एसोसिएशन सेक्टर 21D। हम लोगों ने यहाँ की गंदगी के लिए सरकार को, एमसीएफ को रिक्वेस्ट किया था और आप देख सकते हैं कि हमें सरकार ने पूरा सहयोग किया है। और हम उन लोगों से भी हमने रिक्वेस्ट किए जो गंदगी पे बढ़ाने में वो सहयोग कर रहे थे, उन लोगों से भी क्या है ऐसा मत करिए ताकि हम लोगों को सहयोग करें। हमें सबका पूरा सहयोग है सर, हम गंदगी के खिलाफ खड़े हैं। बारिश होने पे इतनी गंदगी होती है कि पूरे में सिवर जाम हो जाते हैं, मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं, डेंगू फैल जाता है, हर एक घर घर में प्रॉब्लम है। लेकिन अब हम सब महिलाओं ने, सरकार ने जो हमें मदद की उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे हरियाणा सरकार का। मैडम यहाँ पर देखने पे लगता है कि फर्श वगैरह बना रखा था सरकार ने, प्रशासन ने, पैसा वैसा पूरा खर्च हुआ है, पार्क वगैरह भी बना रखे थे, जगह पूरी बनाई है पार्क वगैरह की, लेकिन ऐसा लगा नहीं पीछे ये सब चीज़ें मेंटेन था। अभी थोड़ा सा लग रहा है साफ सफाई हुई है, झाड़ू वाड़ू लगा है, तो लग रहा है यहाँ पे तो सरकार ने थोड़ा बहुत खर्चा भी किया, फर्श वगैरह भी बनाई है, तो रूप पूरा दिया है इसको, लेकिन गंदगी की वजह से ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। जी सर, तो आपने, आपका कहना है कि आपने एक ग्रुप बनाया महिलाओं का, पहले आपकी सुनवाई नहीं हो रही होगी, तो आपने यूनिटी दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए एक ग्रुप बनाया जिसमें ये महिलाएं हैं। दिखाओ भाई से कैमरामैन, ये सारी महिलाएं हैं। सारी महिलाएं, हाँ हाँ, हाथ उठा दो, विक्की का साइन भी दिखा दो। हाँ, तो सारी महिलाओं ने ग्रुप बनाया और ग्रुप में आवाज उठाई, उसके बाद इनकी मदद प्रशासन ने भी की। बिल्कुल, एमसीएफ ने जेसीबी वगैरह भेजी, आपका कहना है। बिल्कुल सर, साफ सफाई शुरू हो गई सर, साफ सफाई बहुत जोरों से चालू है। और यहाँ पे जैसे आपने बोला, सरकार ने बच्चों के खेलने के लिए भी जगह बनाई थी, लेकिन उस जगह को लोगों ने ऑक्यूपाई करके बहुत गंदगी फैलाई थी, काफी बाहर की चीजें आके गंदगी हो रही थी। अब आप देख सकते हैं कि कुछ हम लोगों ने भी पैसा इकट्ठा किया, अब सरकार की पूरी तरह से हमारी मदद है और हम आगे भी आशा करते हैं कि सभी लोग सहयोग करें, हम महिलाओं की इज्जत करें। बंदरों का भी कुछ करना, भाभी एक सेकंड, हम महिलाओं की भी इज्जत करें। जब आप कुछ, कोई गंदगी डालोगी ना गाय आएगी, ना बंदर आएंगे, ना कुत्ते आएंगे, ना वो जगह जगह पॉटी करेंगे। बच्चा स्कूल जाता है सर, कुत्ते की पॉटी, गाय की पॉटी से सारा सन जाता है, स्कूल टाइम से नहीं पहुंच पा रहे, हम लोग टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन हमें हरियाणा सरकार जी का, हरियाणा की सरकार से हमें बहुत बहुत, एमसीएफ से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। जैसा आज आपने सहयोग दिया, हमेशा के लिए आप हम औरतों को आगे बढ़ाइए, हमारा हौसला बढ़ाइए। तो यहाँ पर और कोई मांग है बाउंड्री वगैरह बनाने की जो जाल लगा देते हैं? बिल्कुल राइट सर, हम हमारे हरियाणा गवर्नमेंट से यही हम एक आशा करते हैं कि थोड़ा सा ये कवर करा दे हमारा एरिया, बाउंड्री कवर करा दे, जिससे कि कोई भी ऐसी तत्व बाहर से अंदर ना आए, जिससे कि हमारे सेक्टर में रहने वाले वासियों को, बूढ़े बड़े को, बूढ़ों को किसी तरीके की तकलीफ हो। क्योंकि क्या हो रहा है ना सर, देखिए बाहर की चीजें भी कभी अंदर आती हैं, दो तीन लोग घायल भी हो चुके हैं किसी कारण की वजह से, लेकिन अगर ये बैंड्री कवर हो जाएगी ना सर ये सारे, तो इससे हम लोग सारे कवर होनी चाहिए। कवर होती है कई सेक्टर में, कवर कवर है ना, तो हम, यही हमारा एरिया कवर नहीं है सर,
हम यही सरकार से बोलेंगे इस पूरे एरिया को कवर कराइए ताकि यहाँ पे सेक्टर 21 डी की महिलाएं, बड़े बूढ़े बच्चे सभी सेफ रह सके, बच्चों को जगह मिले पार्क खेलने के लिए। यहाँ पे जगह नहीं है सर, यहाँ पे सारी चीजें भरी रहती हैं, बस यही है। एमसीएफ का यहाँ पर आया है एमसीएफ के ये लोग काम हो, कोई एसडीओ, कोई ठेकेदार देखिए, उससे भी बातचीत करेंगे, पूछेंगे क्या बाउंड्री वाल हो सकती है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि ये कवर कर दिया जाए ताकि कोई बाहर की चीज़ें यहाँ पर ना आए, जो गंदगी यहाँ पर है वो गंदगी दोबारा ना फैले, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान थे और सुनवाई नहीं हो रही थी, तब जाके इन्होंने एसोसिएशन बनाया, उसके बाद कार्रवाई हो। तो एक ये भी मैसेज है दोस्तों, अगर आप लोग यूनिटी बना कर रखें तो काम होगा आपका, तो यूनिटी में ताकत होती है, तो यूनिटी बना दीजिए, चाहे महिलाओं का ग्रुप हो, चाहे पुरुषों का ग्रुप हो, चाहे RWA हो, चाहे कोई भी संगठन हो, जहाँ भी आप एकजुट होकर आवाज़ उठाते हैं तो प्रशासन भी सुनवाई करता है, MCF भी सुनवाई करता है और काम होता है। तो इनका ये भी एक मैसेज है। बाकी यहाँ साफ़ सफाई शुरू हो गई तो अच्छी बात है, अभी देखते हैं साफ सफाई कितनी की जाती है, आगे किस तरह से इसको मेंटेन किया जाता है, क्योंकि अगर मेंटेन नहीं किया जाएगा तो फिर से गंदगी हो जाएगी मैडम। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा। बिल्कुल सर, देखिए स्वच्छता ही जीवन है, जहाँ स्वच्छता है वहाँ पे बीमारियाँ नहीं है। तो इतनी महाबीमारियां सब जगह फैलती है, अगर हर कोई अपनी महिलाएं बड़े बूढ़े ये हम लोग एकजुट होकर ये ठान ले कि हमें कहीं गंदगी नहीं करनी है, तो हम एकजुट होकर इतना अच्छा अपना सेक्टर, अपना देश बना सकते हैं कि कोई नहीं बना सकता। तो हम सब महिलाएं, हम लोगों ने अपने घर से निकल के कुछ यहाँ पे वर्किंग है, कुछ घरेलू है। अपने संगठन का परिचय कराइए, कौन कौन, क्या क्या नाम, सभी है शामिल, तो नाम पूछ सकते हैं आपका, आप नाम बताइए। बसंती देवी, देवी पूनम चौहान, पूनम चौहान, परविंदर, परविंदर जी, माया मटपाल, माया जी, अनुपमा, अनुपमा जी, सोनी सिंह, सोनी सिंह, बता दिया आपने, अर्चना शर्मा, अर्चना शर्मा, मीना रावत, मीना रावत, बबीता रावत, बबीता जी, मधु अस्थाना जी, आइए आइए मैडम आइए, ज्योति आहूजा, ज्योति आहूजा जी, अनुपमा जी, अनुपमा जी, और किसी का रहेगा मैडम आ जाइए, ये सब लाइव चल रहा है आप देख लेना। मीमा भंडारी, मीमा भंडारी, मीमा, मीमा भंडारी, मीमा भंडारी जी, हो गया, रजनी रैना, रजनी रैना जी, रजनी रैना जी, सबका ही हो गया, एनी जोसेफ, एनी जोसेफ, एनी जोसेफ जी हैं। देखिए सबका हमने इंट्रोडक्शन कराया है, बाकी अच्छा काम है, देखिए यूनिटी दिखाई है फिर काम हुआ है और मैसेज भी गया है कि आप भी यूनिटी बनाइए, काम कराइए। वैसे तो आप जानते हैं फरीदाबाद नगर निगम में काफ़ी शिकायत करने के बाद भी आजकल कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन एकजुट होकर आप आवाज़ उठाएंगे तो इसी तरह की कार्रवाई होगी। JCB भी आएगी, कर्मचारी भी आएंगे और जो अधिकारी हैं वो भी एक्टिव होंगे, ठेकेदार एक्टिव होंगे और सफाई कर्मी, देखिए किस तरह से झाड़ू लगा रहे हैं, वो सफाई कर्मी है मैडम, नगर निगम के हैं, नगर निगम के, हाँ देखिए कितनी शिद्दत से साफ सफाई कर रहे हैं, कुछ इन्होंने प्राइवेट भी लगा रखे हैं। आपका कहना है कुछ अपना कलेक्शन करके कुछ, हम लोगों ने सर अपना कलेक्शन किया है सबने, और जिसकी जितनी श्रद्धा हुई, जितनी हवा, उन सबने कलेक्शन करके हमने यहाँ पे सफाई कर्मचारी लगा के पहले से ही काम स्टार्ट कर दिया है। पिछले संडे को भी सफाई हुई, पिछले संडे को हमारा फर्स्ट एजेंडा था, हम लोगों ने सारा पूरा सेक्टर साफ कराया था गंदगी, और MCF के पास कंप्लेन जाने के पास आज इन्होंने JCP, आप देख सकते हैं सारे ही हम लोगों को बहुत सपोर्ट करके गंदगी उठा रहे हैं। और मैं ये बहुत धन्यवाद करूंगी, हम महिलाओं के पीछे हमारे सेक्टर के जो पुराने प्रधान हैं और जो हमारे भैया लोग हैं, उन सबने के बहुत ही सहयोग किया है कि वो खड़े हैं। मैं चाहूंगी कि दो शब्द उनसे भी सुनिए और औरतों को हमें प्रोत्साहन करिए ताकि हम लोग एक हो सके। आइए उनसे, प्रधान जी से भी बातचीत करते हैं, प्रधान जी कौन है थोड़ा बताइए, परिचय कराइए। हाँ आइए सर, हाँ प्रधान जी कौन है भैया, आइए सर, हाँ हाँ देखिए कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों हमने महिलाओं से बात की, इनके एसोसिएशन से बात की और पूरी बढ़िया सफाई यहाँ पर हो रही है, शिद्दत से सफाई हो रही है, आगे देखते हैं इनका अभियान कायम रहता है, साफ सफाई कायम रहती है, फिर से गंदगी अगर होगी तो फिर से अपडेट देंगे। बाकी अच्छा काम यूनिटी बनाई है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।